क्या नुकसान हो रहा है राहुल गांधी ने गेट को, चले जाएंगे तो जल्दी क्यों रो रहे हो, क्यों आग जलाई जा रही हो, वो तो क्यों नहीं रो रहे हो, फायदे या मोदी ने छीन ले, फायदे या मोदी ने छीन ले, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, हम बात कर अडानी की, ये रावट बांट रहा है, क्यों घुमा रहे देश को, देश की जनता है तुम्हारा, राहुल गांधी का जीजा प्रियंका गांधी का आदमी, दारू पियो चरस पियो कांग्रेस का गुण गाओ, आजादी नेहरू ने दिलाई। तो मैं कहता अगर मोदी जी ने अडानी को 26,000 करोड़ रुपए दिया है तो एक बार रावण बाड्रा से कहलवा दो कि अडानी चोर है, अडानी चोर, रावण बाड्रा से कहलवा दो, प्रियंका गांधी से भी कहलवा दो कि अडानी चोर है, हम हिम्मत जाएंगे तुम्हें कांग्रेस वालों को। देखिए चोर तो देश की जनता बताएगी कौन है, जब वक्त आएगा देश की जनता बताएगी, ये देश की जनता काम है, रावण बाड्रा का काम नहीं, रावण बाड्रा पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाता, रावण बाड्रा कोई सांसद नहीं है, कोई नेता नहीं है, अगर देश की जनता बताएगी, हम चाहते हैं कि जेपीसी की जांच हो, अगर अब अगर आप ईमानदार हो तो आप जेपीसी की जांच क्यों नहीं करा रहे, आप जांच से भाग क्यों रहे हो, आज तक जब से 2014 से लेकर नरेंद्र मोदी ने अभी तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी, पत्रकारों के जवाब से क्यों भागते हैं, ये पूछना चाहता हूं मैं, पहली बार इतिहास में देश का ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने अभी तक कोई अपनी पीसी नहीं करी है, पत्रकारों के जवाब से वो डरते हैं कि पत्रकार क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब नहीं है उनके पास, क्यों डर रहे हैं आप देश के प्रधानमंत्री है, आपकी जवाबदेही है, देश की जनता आपसे क्वेश्चन पूछेगी उसका जवाब देना आपकी जवाबदेही है, आज प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, हम अपनी वोट से अपने देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं, हमें हमारा अधिकार है, हम अपने प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछें, उसका जवाब प्रधानमंत्री को देना होगा। जनता अगर परेशान है जनता देगी, आप जो लोग बता रहे हो, अगर तुम बता रहे हो कांग्रेस, तो मैं बताता हूं, एक कक्ष भुज में एक पोर्ट बना हुआ है, 2006 में 80% 80% रावण बाड्रा का हिस्सेदारी है अडानी के, उसमें जो कंटेनर का गोदाम बना है हाउस में, उसे 80% रावण बाड्रा की हिस्सेदारी है, उसमें बोलोगे नहीं, मैं कहता हूं आपसे गारंटी से, चैलेंज से, मैं मोदी का विरोध करूंगा, आप एक बार कहवा दो रावण बाड्रा प्रियंका गांधी से अडानी चोर है, क्यों नहीं करवाओगे, 80% जो है ना वो कागज लिखा के दिखा देगा कि 2006 में इन्हीं मनमोहन सिंह सरकार में उसे 80% अडानी के शेयर करा गया था, उसमें 80% रावण बाड्रा बेर हाउस का गोदाम में, ये जो है ना ले दे के बार बार रावण बाड्रा आ जाते हैं, हम बात करें अडानी की, ये रावण बाड्रा क्यों घुमा रहे देश को, अडानी के साथ क्यों घूमता है तुम्हारा, राहुल गांधी का जीजा प्रियंका गांधी का आदमी, बताइए ना, देश की जनता को, देश की जनता को गुमराह कर रहा है, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जनता के सवाल उठा रहे हैं, हम जनता के सवाल उठा रहे हैं, जनता के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप ले जाते हो, हम पूछ रहे हैं कि ये सरकार जेपीसी जांच से भाग क्यों रही है, ये सरकार जेपीसी की जांच करा क्यों नहीं रही, हम ये पूछ रहे हैं, ये ले जाकर रावण बाड्रा पे, रावण बाड्रा से क्वेश्चन पूछने से जेपीसी की जांच हो जाएगी, अभी राहुल गांधी पे, राहुल गांधी सब लोग राहुल गांधी गा रहे हैं, अपना खाना अपना कमाना होता, अभी अभी हमारे भाई ने बोल दिया कि अपना खाना अपना कमाना होता, कंपटीशन हमने भी तो करी है, हम प्राइवेट ऑफिस में बैठे 26,000 पा रहे हैं, कंपटीशन करके आओ ना, तो हम तो 12th के, तुम तो ग्रेजुएट करी है, मोदी को बदनाम करने की जरूरत है, तो एक बार बताइए, 1 करोड़ में जाओ ना, मेरे साथ चलो, सरकारी जॉब लगी है मैडम, 3 बार जनवरी में लड़का आया, रेलवे की भर्ती देखी थी उसने जनवरी में, यहाँ पे 3 जगह मैंने पेपर दिलवाया, दो जगह में रेलवे में आया, और 2020 में जो बीएसएफ में उसने रिजल्ट पास करा था उसकी भर्ती रुकी थी रिजल्ट आने से पहले, अब उसका 2 में रेलवे में नंबर आ गया, कंपटीशन करा ना तुम, हो गए फेल, ये वो समझता है 1 करोड़ की नौकरी देंगे, अखिलेश करते थे 5 बीघा बेच के आप पुलिस में लगवा देंगे, अब वो नौकरी नहीं है, अब कंपटीशन करो, अभी मेरे चचेरे भाई ने कंपटीशन करके गया है आर्मी में अग्निवीर में, कंपटीशन करो ना, मैं अभी तुम्हें बता दो, और 11 तारीख के भतीजा रहा है मैच देखने के लिए हमारा, और उसने 12th का पेपर दिया है, उससे कंपटीशन करके दिखाइए ग्रेजुएट वाले, शराब पी के डिबेट में आ रहे हो, शराब पी के पीने के लिए पैसे आ रहे हो, कह रहे भैया अपने पैसों की पी रहा हूँ, कमा के पी रहा हूँ, जब कमा रहा है फिर किस बात के तू बेरोजगार है, अपना कमाना होता अपना खाना होता, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता, अभी हमारा अपना ही होता है, के साथ बात कर, हम बोले बीजेपी, मोदी कह रहा था, मोदी क्या देगा, केजरीवाल क्या देगा, सच्चाई पे आओ, मैं आपसे कहता हूँ सच्चाई पे आओ ना, राहुल गांधी के लिए कांग्रेस ही लेके डूबी है, राहुल गांधी के लिए कांग्रेस लेके डूबी है, ये बात हम आपको क्लियर बताते हैं, अगर ये होती पवन खेड़ा के लिए मनु सिंह भी एकदम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया जमानत करवाने के लिए, एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुआ, राहुल गांधी के लिए टाइम मिला 24 घंटे का, क्यों नहीं गए मनु सिंह भी, उनके सुप्रीम कोर्ट में फौज है,
आओ ना कंपटीशन कराओ राम मंदिर के लिए। 65 वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी राम मंदिर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, ये कांग्रेस वालों ने 65 वकील चुने चुने चुनिंदा चुनिंदा वकील। एक हमारा 80 साल का बुड्ढा था, बुजुर्ग थे, राम मंदिर के बुजुर्ग लड़ रहे थे, उन्होंने कही नहीं आप सारा हम बीच में बैठ कर नहीं लड़ सकते, सच्चाई पे आओ सच्चाई दिखाते थे, नेहरू ने आजादी दिलाई, नेहरू का एक दिन की जेल दिखा दो ना। सावरकर को तुम कहते सावरकर माफी नहीं मांगे, सावरकर ऐसी जगह पे बंद हुआ है, काला पानी सजा हुई थी उसे, कुर्बानी तुम दिखाते हो। मैं चैलेंज से कहता हूँ आधार कार्ड लो मेरा, मेरे गांव में पहुंचाओ, शहीद स्वतंत्रता सेनानी का बोर्ड लगा हुआ है परदादा पे, अब कहते हो आरएसएस वालों ने कहीं पर भी आरएसएस वालों जितनी कुर्बानी दी है ना, इतनी किसी गांधी ने नहीं दिए, गांधी ने नैना उम्र का लड़का चढ़ा दिया थे, जाओ आजादी के लड़ो, मरे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव है, और अब सारी संस्थाओं पर तुमने अपना नाम कर लिया गांधी। उनसे जो सदस्यता छीनी गई है क्या वो सही है आपके? 2013 में लालू से 24 घंटे नहीं लगे, लालू सदस्यता चली गई इन्हीं की कानून पे। 2013 में ये आई थी जो जिन पे भी 2 साल से अधिक सजा भुलेगी, 2 साल तक सजा है उनकी सदस्यता 24 घंटे के अंदर नकद दाखिल नहीं करी तुमने PI, तो तुम्हारी सदस्यता जा सकती है, मगर इन्होंने क्यों इतनी लापरवाही दिखाई राहुल गांधी ने बताइए ना। मगर देखो मैडम, अगर मैं गलती करता हूँ तो पहले मैं गलती करता हूँ मैं क्षमा मांगूंगा, और मैं कहूँगा मेरे बाप मेरे भाई मुझे दबा रहे हैं, भैया परिवार के लोग आओ, जब परिवार के नहीं आएंगे तो मैं मोहल्ला पड़ोस को नहीं जाऊंगा, यार दोस्तों को रिश्तेदारों को बुलवाऊंगा, बंटवारा करवाऊंगा, और सही बताऊंगा। ये कहते हैं लंदन में जाके हैं कि हमारा संविधान, भारत का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाओ। बताइए तुम्हारी विदेशी नीति, विदेशी और विदेशी महिला की संतान कभी भी देशभक्त नहीं हो सकती, ये हकीकत बात है। और बताइए कौन मैडम कौन सी आजादी दिलाई, मैं बताता हूँ लाल बहादुर शास्त्री मरवाए, 13 वोट पटेल को पड़े थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को 13 वोट मिले थे, 1 वोट नेहरू को मिला था, प्रधानमंत्री नेहरू चुने गए थे। क्या मोदी तानाशाह है? कोई भी ताना, उसे जनता चाह रही है, जनता ने चुन के भेजा है, जनता ने चुन के। मैडम प्लास्टिक की बैग में पड़ पड़ के मेरे कंधे पक गए थे, आज मैंने अपने बेटे को अपने भी 1600 रुपए की बैग खरीदी है, बेटे के लिए अभी दूसरी क्लास में पढ़ रहा है, 1600 रुपए की बैग दी है, अब यहाँ पे मैं आ गया, अब हम महंगाई को रोएंगे हैं। सैलरी पा रहे हो जो 3000-8000 सैलरी थी हमारी 2013 में, आज 26000 ले रहा हूँ मैं। हिम्मत करो, कंपटीशन करो, मेहनत करो, मेहनत करोगे तुम हराम का IAS बनाते तो सबके लिए मोदी IAS नहीं बनाएंगे, मोदी सबके लिए IAS नहीं बनाएंगे, आप आओ कंपटीशन करो, कंपटीशन करके जीतो। बिल्कुल सही कह रहे हैं मोदी जी, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको मतलब उनका काम बहुत पसंद आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, वो जितना जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। कांग्रेस के राज में कि ना उनके राज में महंगाई बढ़ गई है, तो आपके हिसाब से क्या है? महंगाई कहाँ बढ़ गई है, महंगाई तो जब जनता के हिसाब से बढ़ेगी ना, लेकिन वो इतनी तरक्की कर रहे हैं। डेमोक्रेसी को लेकर तो मैं भी कहूँगा मोदी जी बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है वो जो चीज़ वो कहना चाह रहे हैं वो समझ रहे हैं लोग, पर जैसे राहुल के केस में या इनके केस में थोड़ी सी नरमी की मैं तो उम्मीद करता हूँ उनसे कि भाई थोड़ा सा, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा से वही व्यवहार चाहता जो होना चाहिए, वो एक अपने अपोजिशन के आदमी है, एक राजा की तरह है, उनको थोड़ा सा सम्मान के हिसाब से उनको दंड दो, तो थोड़ा सा डेमोक्रेसी रहना चाहिए। सर की बात को कोट कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं नरमी का रुख होना चाहिए, राहुल जी के लिए रास्ते खुले हुए हैं पर वो ढोंग करना चाहते हैं, वो इसलिए कह रहे हैं। एक कर्नाटका के सांसद थे, उनकी मेंबरशिप भी गई थी इसी कारण गई थी, पर उन्होंने कानूनी रास्ते अपनाए, उनकी मेंबरशिप दोबारा बहाल हो गई थी, पर राहुल जी को वो सब नहीं करना, उनको ढोल बजाने हैं कि देखो मोदी जी ने कर दिया, और मोदी जी ने उनकी सदस्य रद्द नहीं किया, कानूनी प्रक्रिया के प्रोसीजर के तहत हुई है। आज अगर हमारे देश के लिए मैं बताता हूँ, आप ये कहोगे बार बार ये RSS की लेके आता, RSS मेरे बाप है RSS में, और मैं तो जुड़ा नहीं हूँ RSS में, जॉब करने वाला हूँ, मेरा दादा भी था। और रही मैडम रही राहुल की सदस्यता वाली बात रही, तो राहुल सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट मौका मिला था, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? पवन खेड़ा की जमानत हाथ के हाथ करा ली मोदी के, पवन खेड़ा की जमानत हाथों हाथ करा ली, पवन खेड़ा ने अरेस्ट ही हुआ था एयरपोर्ट पे, एकदम जमानत हो गई, तुम्हें 24 घंटा मिले, क्यों नहीं गए? आप बता दो जाओगे नहीं, कारण बताओ।
कार्य क्यों नहीं, क्योंकि कांग्रेस चाह रही है कि राहुल गांधी को नहीं आने दे। मैंने सुनिए, छह साल के लिए पाबंदी लगी है। आपको नहीं पता गांधी का यहीं पर नाश होने वाला है। ये कांग्रेस की चाल है, समझे? स्टैंड नहीं हो गया। अगर हिम्मत है तो जनता के पास आओ, मीडिया के पास जाओ, इसका जवाब दीजिए। नहीं ऐसा है, अगर राहुल गांधी नहीं है तो उनको क्या नुकसान हो रहा है? इनको क्या नुकसान हो रहा है? एक सेकंड, इनको क्या नुकसान हो रहा है? क्या नुकसान हो रहा है? राहुल गांधी नहीं गेट को चले जाएंगे जल्दी क्यों रो रहा है? क्यों आग जलाने वाला है? वो तो क्यों नहीं रो रहा है? फायदा या मोदी ने छीन ले, फायदा या मोदी ने छीन ले, क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? सिला जीत ले आओ, क्यों रो रहा है? ये बैठ करने का, फायदा या बैठ करने का नहीं, जंतर मंतर पे गए तो कहीं मोदी तानाशाही दिखाते हैं। सुनिए मैडम, सुनिए, अरे अंकल सुनिए, मोदी जी करता है खुल्लम खुल्ला करता है, तुम्हारी तरह लुटेरों की तरह नहीं। बाबा रामदेव को रात में भगाया था, हिम्मत नहीं पड़ी थी। ये क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे? इनके दाते ही बताते हैं इनके रात का फसाना। पेल के खाए हैं गुटका, देख लो इतना इनका। ये जितना बिमल खाते हैं और जितना शिखर खाते हैं ना, इनकी पूरी दांत ही बता दे रही है। ये खत्म हो गए इनकी दांत, और ये हर एक डिबेट में यही बोलते हैं। ये कांग्रेस भक्त, और इनको हम कर दिए कांग्रेस मुक्त, ठीक है ना? ये कभी नहीं सुधरने वाले हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि देश सुधरे। हमें देश को सुधारना है, और ये चिदर आप जैसे लोग नहीं सुधरे तो देश बर्बाद हो जाएगा इस उम्र में भी। हाँ, तब सुनिए अंकल, अब हम शांति से शादी नहीं पीटेंगे। कोर्ट क्यों नहीं गए? कोर्ट क्यों नहीं गए? दोगली राजनीति क्यों करते हैं? नेहरू ने आजादी दिलाई, दोगली राजनीति क्यों करते हैं? नेहरू ने आजादी नहीं दिलाई। ये झूठा इतिहास पड़ेगा। चाचा नेहरू जो 12 साल का लड़का फांसी में झूले, 17 साल के वो कौन थे जो नेहरू ने आजादी दिलाई? तो बताओ ना, चिल्ला रहे बार बार। क्या परेशान हो रहे हो? गांधी नहीं गया कोर्ट तो ये बताओ अंकल। लो नहीं चिल्ला, अंकल उसने तो कुछ नहीं कहा। वो तो कौन से स्टैंड बैठ दिया जाने के बाद उसने नहीं कहा। राहुल गांधी तो फिर रो के उड़ाए, जनता को क्यों खरीद ला रहे हो अंकल? अंकल कार्यालय है जहाँ पे हम रहते हैं, सामने पे कार्यालय है, हमें पता रात को क्या होता है। चेहरा पहचान लो, और राहुल गांधी के समर्थक लोग चेहरा पहचान लो। तुम्हारी कार्यालय जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, वहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है, और मैं देखता हूँ रात को क्या क्या होता है तुम्हारे यहाँ, क्या क्या होता है। पैसे बटते हैं वहाँ पैसे, और देश को बचाना है हमें, देश को बर्बाद नहीं होने देना है। और वो दिन दूर नहीं जब बाबा आदित्यनाथ बैठेंगे सीट पे, तुम्हारे पेंट गीली हो जाएगी। बदमाशों की तो नकेल कस दी है, और अच्छे अच्छों को ढीली कर देंगे वो, बता रहा हूँ मैं। मैडम आपको मैं एक बात और बता रही हूँ, 2006 से लेकर 2013 तक की कहानी बता रहा हूँ मैं। 2006 से लेकर 2013 तक की मैं आया था यहाँ पे 2008 में परमानेंटली, यहाँ दिल्ली 2008 में मैंने जॉब पकड़ी, परमानेंटली दिल्ली आ गया मैं। उससे पहले मैं पता क्या करता कांग्रेस, बेरोजगार तो हम हुए हैं। फिर हमें पता चला कि हमारे अंदर चोरी करने की, योगी मोदी जी ने हमें भुलवाया, घोटालेबाजी करने की मोदी जी ने हमें भुलवाया। जो हम चैलेंज से कहते कांग्रेस वाले तुम्हारी सरकार में, मैं यूरिया की खाद की गोदाम से, मैं एक एक ट्रॉली एक एक गोदाम से रात को निकालता था और नंबर 2 में भेजता था। बेरोजगार मैं हुआ हूँ, मैं फिर भी मोदी को मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? थोड़ी उनके आगे जनता सुधरने लगी, नहीं तो सब जैसे तुम्हें सिखाया नहीं, दारू पियो चरस पियो कांग्रेस के गुण गाओ। आजादी नेहरू दिलाई, सावरकर को गाली दो सावरकर को जी को, हैं आजादी नेहरू दिलाई, तो नेहरू की एक दिन भी दिखा दो। आज एक एक इन मुद्दा पकड़ा है, अडानी मोदी चोर अडानी। तो मैं कहता हूँ कांग्रेस से प्रियंका गांधी एंड वाड्रा, एक बार अपने खुद कह दो कि अडानी चोर है।